अरे ऐसे उठाओ यार, उठो वो लेके जाओ, एक बार लेके चल जाओ, एक बार लेके उठा लो स्ट्रेचर का परे, अगर 22 क्या के बंद है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, स्ट्रिप तक नहीं मिल रही, शुगर स्ट्रिप मेडिकल टीम का 12 बजे आने का क्या मतलब बन रहा है, एक टीम होता है चेकअप 10 बजे के करीब 12 बजे स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा है, कुछ भी नहीं है, एक शुगर स्ट्रिप तक नहीं है, बताओ सरकार खबर लेने शाम को 5 बजे पहुंच रहा है, जब हमारी हालत होगी बुलाया जा रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से तब जाके 12 बजे का टाइम दिया है लोगों ने, पता नहीं कहाँ क्या है, अरे बैठा तो हमने ना तुझे उस कुर्सी पे, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उनसे क्या मुलाकात करवाओगे तुम लोग, वो क्या कर लेंगे, मामला तो जब स्वास्थ्य मंत्री जी का हो रहा था कि उन्हें टाइम ही नहीं अमर से मिलने का, ये और उनसे मिलाया जा रहा पर खुद नहीं मिल रहे मंत्री, इतना बड़े मंत्री बन गए हमारे उत्तराखंड, अरे बैठा तो हमने ना तुम्हें उस जगह तब तभी तो तुम्हारे तुम हो राजा, तो तुम तभी बने जब तुम्हारी प्रजा का सपोर्ट मिलेगा, बिना सपोर्ट के तो नहीं बने होंगे ना तुम लोग, जब तुम्हारी प्रजा इस तरीके से तुम्हारी प्रजा बिल्कुल विवश हो चुकी है कि भूखर दाल पे बैठे गए, तो तुम तो सुध लेने के लिए नहीं, कोई भी प्रशासन का आदमी सिर्फ ये सर लोग आए, इसके बाद कोई भी उनका मंत्री का कोई भी चमचा यहाँ देखने तक नहीं आ रखा, इतने दिन से जब भूखर दाल पे बैठे तो तुम कहाँ मरे हो बताओ, अभी मर जाए हम लोग यहाँ पे, जब सुबह से उनकी तबीयत खराब थी जब इन्हें बता गया कि हॉस्पिटल में ले जाना, तो तब तक सुबह से क्यों नहीं आए, फिर हमारे क्या चाह रहे थे, अर्थी उठे यहाँ पे, जब हमने खुद सर को फोन करके 10 बार कॉल करी, एम्बुलेंस के अंदर कुछ भी नहीं था, अभी शुगर स्ट्रिप तक नहीं थे, जबकि हम खुद काम करते हैं, जब हमारे साथ इतनी धोखा बाढ़ हो रही है तो औरों के साथ क्या हो रहा होगा, हमारे साथ इतना धोखा दे रहे, कुछ भी नहीं, एम्बुलेंस के अंदर इतनी बड़ी अभी अभी उस मैडम ने जो जिनका बीपी चेक करा, कह रही बीपी हाई आ रहा, हमने चेक करा बीपी लो जा रहा, उस बंदे का 5-6 दिन से जिसे खाना नहीं खा रहा, उसका बीपी हाई जाएगा, दिन बोला गया कि 17 तारीख को मिलवाएंगे, लेकिन अभी तक किसी से मिलवाया नहीं है, मैं तो किसी से मिलने भी नहीं गई, मेरे सामने कोई शासन प्रशासन का कोई भी नहीं आया, और शुगर करो कि दलवीर दानू अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है, अगर यहाँ दिखे तो उसका इलाज तो हम इसी अमरण अनशन पर करेंगे, एक बार हम उसी को घसीटना चाहेंगे यहाँ पे, सबसे पहले उसने हमारा आमरण अनशन तुलवाया था, उसके बाद 15 दिन का आश्वासन दिया था, 15 दिन के आश्वासन में 1 महीना उसने हमें यहाँ से वहाँ घुमाया, घुमाने के बाद आज भी वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, अगर वो हमारी नजर आ गया ना तो मैं उसको चमोली क्या, मैं उसी के घर तोड़ती पहुँचाऊंगी उसे, साफ और सिद्धांत से बोलूं, तोड़ती का रहने वाला है, तोड़ती ही पहुँचाऊंगी उसे, वही तोड़ती बनाऊंगा उसकी, हमारा प्रशासन तो सो रखा, हम इन्हें खुद कॉल कर करके उठा रहे कि आ जाओ सर, फिर भी फोन उठाने तक राजी नहीं है, जब मुख्यमंत्री ने हमारे पास जब अपना प्रतिनिधि हमारे पास भेजा था कि तुम भूख हड़ताल से उठ जाओ, मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री से मिला देंगे, जब मुख्यमंत्री का पिया हमें ना मुख्यमंत्री से मिला पाए तो हम किसके पास जाए, इसके ऊपर क्या भरोसा करना है, जब हमने स्वास्थ्य मंत्री के लिए 17 तारीख के लिए मिलने के लिए पता 17 तारीख की जगह हमारी 20 तारीख पहुंचोगी, पर अभी तक हमें स्वास्थ्य मंत्री नहीं मिले, इतने बड़े नेता हो गए हमारे जो हमें मिलने का टाइम भी नहीं है, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छे से, अभी ये है कि भाई कितना आपकी बात भी रहेगी, आपने तहसीलदार ने आपका बिल्कुल चल रहा हूँ, बाल बच्चे भी लेके घर वालों को लेके गई भी बैठते हैं हम लोग, कुछ और तो रह नहीं गया, मामला ही चल रहा है टाइम से, कुछ नहीं हो पा रहा है,
मजाक बना के रखा हुआ है, हाथ धोरी किया बताओ यार। मेडिकल टीम को बुला दो, मेडिकल चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं। पहले तो मैं मर रहा था कि कोई देखने नहीं आया। क्यों नहीं आया यार? मैं नहीं आया, रात भी नहीं आया, दिन में आया। शराब है उतना रात सही बजे है, बैग ही रात सही बजे है। अरे नहीं यार, भाई इसको क्या मेरे को